नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। और आज मेरे पास ये हुंडई की योन गाड़ी है। इसमें कस्टमर का इशू है ब्लोअर जो है एसी का। नॉर्मली कस्टमर जब एसी देके गाड़ी चला रहे थे तो अचानक पूरा ब्लैंक हो गया, मतलब ब्लोअर से कोई हवा ही नहीं निकल रहा है। और जैसे ब्लोअर ऑन नहीं होगा तो एसी ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। तो कस्टमर का यही कंसर्न है। बट कुछ देर चलने के बाद जैसे ही थोड़ा सा जर्किंग में गिरा तो अचानक गाड़ी का जो ब्लोअर है वो फिर से काम करना चालू कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर के उनको लग रहा है कि ये थोड़ा सा लूज़ कॉन्टैक्ट का इशू है। अब मैंने इसको चेक किया, जब कस्टमर फिर लेके आए हम लोगों के यहाँ पे, तो मैंने इसको जब चेक किया तो मुझे नॉर्मली कुछ प्रॉब्लम ही नहीं मिला। अब लेकिन कस्टमर ने जब कहा है कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, या तक कि दो तीन बार ऐसा हुआ है कि थोड़ा देर चलने के बाद जाके अचानक एसी काम नहीं करता है और फिर कुछ देर बाद जाके ऑन हो जाता है। तो मैंने बहुत टाइम से इसको देख रहा हूँ, कम से कम आधा घंटा मैं इसकी ब्लोअर जो है इसको ऑन करके रखा था स्टार्ट करके, तो मुझे अब जाके ये प्रॉब्लम फाइनली मिला है। कस्टमर ने जब कहा है तो उसमें ज़रूर ध्यान देना है, नहीं तो प्रॉब्लम अगर हम देखे बिना ही छोड़ देते तो अल्टीमेटली फिर प्रॉब्लम जो है वो रह जाता। और इसमें जो प्रॉब्लम मिला है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये अभी मैं इसकी जो इग्निशन है इसको ऑन कर लेता हूँ। और इस इग्निशन ऑन कंडीशन में मेरा यहाँ पे जो ब्लोअर स्विच है ये ऑलरेडी थर्ड पोजीशन में सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसको फोर्थ में दे देता हूँ। वैसे 0 से 1, 2, 3 ये अगर काम नहीं करता है तो इसमें आपकी गाड़ी की जो रजिस्टर रहता है ब्लोअर की उसमें प्रॉब्लम होने की चांसेस है। बट फोर्थ में चलेगा, 1, 2, 3 में नहीं चलेगा, फोर्थ में चलेगा। अगर स्विच की प्रॉब्लम होता है तो तब भी आपकी गाड़ी में ये एसी नहीं चलेगा, मतलब ब्लोअर काम नहीं करेगा। बट क्योंकि कभी कभी चल रहा है, अचानक बंद हो रहा है, तो इन सब केस में आपका रजिस्टर या स्विच का इशू होने की चांस बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम है। तो मैं इसको फोर्थ पोजीशन में देखे, सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है कि इस गाड़ी का जो ब्लोअर मोटर है ये ठीक इस पोजीशन में यहाँ पे लगा हुआ है। ये ब्लोअर मोटर है और इसकी कनेक्शन यहाँ पे है, तो मुझे सबसे पहले इस कनेक्शन में चेक करना है कि 12 वोल्ट का सप्लाई हो रहा कि नहीं। वैसे अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप टेस्ट लैंप यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे भी देखने से पहले आप और एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैंने किया, ये ग्लोब बॉक्स खोलने से आपको इसकी फिल्टर हाउसिंग, मैंने ये सारा देखिए ये फिल्टर मैंने हटा दिया, तो यहाँ से आप ब्लोअर मोटर को एक्सेस कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ब्लोअर मोटर जाम होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा हाथ से मूवमेंट देने की कोशिश किया तो तब भी ये नहीं चल रहा है। अब मैं इसको जो यहाँ पे कनेक्शन है, ये कनेक्शन में मेरा 12 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है कि नहीं ये चेक कर लूँगा। ये तो यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को ऐसे इसको कनेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए ऐसे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे कुछ वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। ब्लोअर मोटर या फिर ब्लोअर स्विच का जो पोजीशन है ये मेरा अभी फोर्थ पोजीशन में है, इग्निशन स्विच ऑन है। तो नॉर्मली मुझे इसकी जो कनेक्शन है इसमें कुछ वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। इस केस में क्योंकि ये कभी कभी चल रहा है और बीच बीच में ऑफ हो रहा है तो फ्यूज़ का इशू नहीं है। 99% केस में ऐसा होता है कि रिले की प्रॉब्लम या कनेक्शन की प्रॉब्लम। तो मैं पहले इसकी जो रिले है उसको एक बार चेक कर लेता हूँ। और इसकी ब्लोअर रिले जो है ये बाहर इंजन कंपार्टमेंट में लगा हुआ है। यहाँ पे ये जो फ्यूज़ बॉक्स है इसमें इसकी फ्यूज़ पहले दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे इसकी फ्यूज़ होगा, ये ब्लोअर का 30 एम्पियर फ्यूज़ सही है, क्योंकि कट आउट होगा तो एकदम नहीं चलेगा। और ये जो रिले है यहाँ पे ब्लोअर रिले दिखा रहा है, ठीक है, फ्यूल पंप रिले के ऊपर। यहाँ पे देखिए ये फ्यूल पंप रिले, इसके ऊपर ये जो है ये ब्लोअर रिले है, तो इस रिले को मैं अभी इंस्पेक्ट करूँगा। तो ये जो फ्यूल पंप रिले है, सॉरी ये ब्लोअर रिले, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है, पहले तो मुझे कैमरा मैन ढूंढना है थोड़ा देर के लिए। तो ये जो रिले था, इस रिले की जो कॉइल पॉइंट है इसमें हम पहले चेक करेंगे।
सिंपली यहाँ पे कंटिन्यूटी आएगा, यहाँ पे देखिए कोई ब्लिंक साउंड नहीं आ रहा है, बस 419 ये शो कर रहा है, 420 शो कर रहा है, तो इसमें कंटिन्यूटी का साउंड नहीं है। और रेजिस्टेंस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसकी देखिए रेजिस्टेंस भी शो नहीं कर रहा है, ये कनेक्शन मेरा लगा हुआ है, बट एक नॉर्मल रिले अगर होता तो इसमें 90 के आसपास कुछ रेजिस्टेंस आता और कंटिन्यूटी में देने से ये कंटिन्यूटी का साउंड आता। अब ये मेरे पास दूसरा अच्छा रिले है, देखिए साउंड आ रहा है, और इसकी रेजिस्टेंस अगर हम देंगे तो 87-88 ये शो कर रहा है, कनेक्शन सेम लगा हुआ है, ये 90 तक नॉर्मल है। तो ये रिले जो है इसमें फॉल्ट है, और ये गर्म होने के बाद ये फॉल्ट हुआ है, तो इस केस में मुझे ये रिले बस लगा के एक बार चेक कर लेना है। अब यहाँ पे जैसा कि रिले लगाने के बाद मल्टीमीटर, तो ये रिले लगाने के बाद यहाँ पे अगर डायरेक्टली हम इसको कनेक्ट कर देंगे तब भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर मैं आपको पहले एक बार लगा के दिखा देता हूँ। देखिए ये काम करना चालू हो गया, ठीक है, लोअर मोटर बिल्कुल घूम रहा है, और आई थिंक आपको दिखाने की मतलब ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इस कनेक्शन में भी 12 वोल्ट का चेक कर सकते हैं, और बाकी जो सारा 1, 2, 3, 4 ये सब मैं चेक कर लूँगा। अभी भी काम हो रहा है, ये पकड़ने से आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, बस छोटा सा एक रिले, छोटा नहीं है, उसका भी दाम है 900 रुपया के आसपास। तो ये रिले खराब होने की वजह से गाड़ी में ये प्रॉब्लम हो रहा था, और गर्म कंडीशन में थोड़ा देर चलने का बाद जाके ये ब्रेक डाउन हो रहा था रिले। आई होप कि इस वीडियो से आपको, आप चाहें तो इंटरचेंज करके भी रिले देख सकते हैं, जैसे कि हॉर्न का रिले हो या फिर कोई दूसरा रिले, उस कंडीशन में भी आप इंटरचेंज करके ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि गाड़ी में रिले का प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कई लोगों के पास ये मल्टीमीटर भी अवेलेबल नहीं रहता है। बस तो इस वीडियो में तो इतना ही, मैंने बस छोटा सा एक वीडियो दिखाया, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।